बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी नहीं गुंडे और बदमाश उतर रहे हैं। ऐसे ऐसे गुंडे जिनके नाम के आगे बाहुबली जुड़ जाता है, ऐसे गुंडे जिनके डर से इलाका कांप उठता है, ऐसे बदमाश जो कानून को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, ऐसे बाहुबलियों पर आरजेडी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लगता है कि आरजेडी इस बार फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहती है। इस बार चुनाव में अपराध जगत के बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जहां पूर्व में बाहुबली अनंत सिंह तो पश्चिम में रीतलाल यादव। खास बात ये भी है कि दानपुर सीट से तेज प्रताप यादव ने अपनी साली कश्मीरा राय की जगह रीतलाल को टिकट दिया है। और कमाल की बात यह है कि रीतलाल यादव के विपक्ष में जो महिला खड़ी है, उनके पास उनके पति की हत्या का आरोप भी कथित तौर पर रीतलाल यादव पर है। यानी कि बीजेपी की प्रत्याशी आशा देवी के सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा को यादव ने गोली मार दी थी। 30 अप्रैल 2003 को सत्यनारायण की हत्या हो गई थी, जिसके आक्रोश में आरजेडी ने लाठी रैली भी निकाली थी। तो ये चुनाव बेहद ही खास होगा, जहां एक तरफ हत्यारा तो दूसरी तरफ पीड़िता। इस बार दानपुर में बदले की आग देखने को मिलेगी, वही इस बार दानपुर बदलापुर बन सकता है। ये लड़ाई भी आत्मसम्मान की होगी। तो आइए जानते हैं कि इस बाहुबली नेता के बारे में और क्यों ये आरजेडी के लिए इतना खास है। दरअसल काले धंधे में नाम कमाने के बाद कैसे रीतलाल ने सफेद कॉलर अपना लिया। कहानी है 2014 की, जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा यादव को जिताने के लिए रीतलाल के चौखट पर दस्तक दी थी। उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया था। हालांकि मीसा यादव ये चुनाव हार गई थी। रीतलाल यादव पर मर्डर से लेकर रेलवे ठेकेदारी में रंगदारी तक के आरोप लगे हैं। वो अपनी बेटी की शादी के कार्ड को लेकर भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कार्ड पर लिखा था कि शादी में हथियार लाना वर्जित है। ऐसे बाहुबली नेता जिसकी तूती जेल में भी बोलती थी, वो जेल में रहने के बाद भी रंगदारी नहीं भूला। 2017 में एक डॉक्टर को रजिस्टर्ड डाक से कारतूस भेजकर पैसे मांगे थे। पैसा ना देने पर भी धमकी दी गई थी कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जब रीतलाल के गुर्गे ने डॉक्टर से पैसे मांगे तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। इसके बाद गुर्गे ने अपने फोन पर रीतलाल से बात करवाई। जेल से भी अपना धंधा चला रहे रीतलाल के पास करोड़ों की संपत्ति है, पर एक भी कार या बाइक नहीं है। बताया चुनावी हलफनामे में उन्होंने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक रीतलाल यादव और उनकी पत्नी के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आरजेडी के इस उम्मीदवार को कुल 6.4 करोड़ रुपए के मालिक है, तो वही उनकी पत्नी के पास 4.78 करोड़ रुपए का मालिक है। हाल ही में जेल से लौटी रीतलाल यादव इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।